आजादी में था उनका भी अहम योगदान, इतिहास के पन्नों में बैठे हैं वह योद्धा गुमनाम। आजाद भारत के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, किंतु आज भी ऐसे कई वीर हैं जिन्हें लोग कम याद रखते हैं। ये वीडियो सलाम करता है उन्हीं वीरों के नाम। Imagine yourself and your entire family in a big jet black room, with blows after blows being landed upon you until you fall down to the earth. Would you have the will to get back up and fight against this darkness? Would you have the strength to get back up on your feet after taking a bullet or being constantly whipped upon? Would you have the willpower and perseverance required to become a light ray of hope to inspire millions of others who are being tortured just like you are? These were not just some random questions, but actual realities that India's countless freedom rebels had to face, comprehend and fight their way through, even before the period of 1857 to 1947, a period that many historians would refer to as the era of darkness. The Indian independence movement was not just a sequential line of rebellious events, but also it was a non-cooperation that costed the death of nearly 3.5 crore human lives, while giving birth to today a 139 crore strong democratic and secular nation. During this period, many freedom heroines came in public light, but many still remain unsung even to this day, who during such harsh times not only managed to contribute their sweat and blood to the Indian freedom struggle, that too with so much fervor and enthusiasm, but also took care of their families, households, all while supposing society's archaic norms and planting the seeds of revolutionary feminism in the background. This is our small contribution to give them the homage they deserved but never fully received. शुरुआत करते हैं उत्तरी भारत से, जहां बेगम हजरत अली महल तथा झलकारी बाई ने जन्म लिया था। बेगम हजरत महल सन 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली पहली महिला थी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत का वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया। बेगम हजरत महल सभी धर्मों को समान रूप में देखती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि वे अपने सिपाहियों के हौसले बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध मैदान में चली जाती थी। इसके अतिरिक्त भारत की आजादी के पहले युद्ध के समय लखनऊ पर अधिकार करने में भी बेगम हजरत महल काफी सफल रही। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने बेगम हजरत महल को श्रद्धांजलि देने के लिए एक डाक टिकट प्रकाशित किया था। श्रीमती झलकारी बाई 22 नवंबर 1830 को झांसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। वह झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की महिला सेना में एक सिपाही थी और जल्द ही रानी के एक प्रमुख सलाहकार के पद पर आसीन हुई। वह रानी की करीबी विश्वास पात्र और सलाहकार थी और उनकी लड़ाई के विश्लेषण में भूमिका कुछ इस प्रकार थी कि आज तक झलकारी बाई की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ तक कि उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी की जा चुकी है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेज बहादुर परिसर में झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। जन कवि बिहारी लाल हरित ने वीरांगना झलकारी काव्य की रचना की। हरित ने झलकारी की बहादुरी को निम्न प्रकार पंक्तिबद्ध किया है। लक्ष्मी बाई का रूप धार, झलकारी
खड़ग सवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तन धार चली। अब पूर्वी क्षेत्र के ओर बढ़ते हुए हमारे दिल में है मणिपुर से रानी गाइदिनलियू तथा पश्चिम बंगाल से मातंगिनी हाजरा। 1927 में लोंगमेई नागा जनजाति की एक 13 वर्षीय रानी गाइदिनलियू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागा जनजातियों को स्पष्ट आह्वान देते हुए कहा, हम स्वतंत्र लोग हैं, गोरे लोग हम पर शासन नहीं कर सकते। उनके मार्गदर्शन में हिराका धार्मिक सुधार आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी बढ़ावा दिया। 16 साल की उम्र में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। उसके बाद 1937 में शिलोंग जेल में उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई, जहां उन्हें रानी की उपाधि दी गई। 1947 में भारत की आजादी के बाद वह रिहा हो तथा अपना जीवन लोक कल्याण में समर्पित कर दिया। श्रीमती मातंगिनी हाजरा, बूढ़ी गांधी नाम से प्रसिद्ध श्रीमती हाजरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक का हिस्सा रही। गांधीवादी विचारों से प्रभावित श्रीमती हाजरा 72 वर्ष की आयु में 6000 समर्थकों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में जब वे भाग ले रही थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा धारा 144 लागू की गई एवं उन्हें बार बार गोली मारी गई। लेकिन वंदे मातरम एवं मातृभूमि की जय उनके मुख से बंद न हुआ। अंततः उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस झंडे के साथ अपने प्राण त्याग कर सना के लिए अमर हो गए। इन सभी की सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर तथा देशभक्ति वास्तव में प्रभावशाली है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब दक्षिण क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता, इन सब के अलावा कमला देवी चट्टोपाध्याय एक अभिनेता और कला प्रेमी भी थी। सभी एक व्यक्ति में से मिटी। 1920 के दशक के अंत से 1940 के दशक और उसके बाद तक कमला देवी भारतीय महिलाओं और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक दूत बन गई। उन्होंने वर्तमान दिन फरीदाबाद को जन्म देने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय सहकारी संघ के संस्थापक नेता के रूप में उन्होंने विभाजन के बाद के प्रवास के मद्देनजर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से लगभग 50,000 पठानों को फिर से बसाने का भी काम संभाला। दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गुजरात के नवसारी नाम के एक छोटे से गांव में एक स्वाधीनता संग्रामी पल रही थी, बाद में जिनको बीकाजी रुस्तम कामा के नाम से जाना। श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा राष्ट्रवादी गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाने वाली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी की विदेशी भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराया। विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को विश्व के समक्ष दावे के साथ प्रस्तुत करने में श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए और भारत भारतीयों के लिए है। श्रीमती गोदावरी पारुलेकर महाराष्ट्र में पहली महिला कानून की छात्रा होने से लेकर कई राजनीतिक संगठनों में अग्रणी आवाज होने तक इन्होंने भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक पन्नों पर गहरा छाप छोड़ा है। वर्ष 1986 में अखिल भारतीय किसान सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी एवं महिलाओं को कृषि क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाने का काम किया। आज उनका नाम इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता एवं साम्यवाद के रूप में लिया जाता है। उनकी विरासत को उनके द्वारा स्थापित एवं नेतृत्व वाले संगठनों द्वारा जारी रखा गया है, जो आज पूरे देश में हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है।
कस्तूरबा गांधी, जिन्हें राष्ट्रमाता या बा के नाम से संबोधित किया जाता है, उनका जन्म 11 अप्रैल 1869 को हुआ था। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी में तुलना करना व्यवहारिक तो नहीं है, लेकिन निष्पक्ष भाव से देखने में कहीं ना कहीं कस्तूरबा गांधी के त्याग गांधी जी से श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। एक पूर्ण निरक्षण होने के बावजूद वह दृढ़ विश्वास के साथ नागरिक अधिकारों और अंग्रेजों से भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ती रही। भारत के गौरवशाली इतिहास में आज भी कस्तूरबा गांधी द्वारा राष्ट्र को दिए गए योगदान को कम नहीं आंका जाता। We hope that this presentation has acquainted you all with a few of the unsung heroes of the Indian freedom struggle, and that you all have found in your hearts a newly embellished love and appreciation for them. There are countless others whom we could not mention today, but our homage and respect for their wisdom and sacrifices will always be held high in our hearts as we walk freely on the hallowed grounds of our holy motherland. Become a rebel towards this oppression today, with pain as the source of your perseverance. You shall be the torchbearer of the new revolution. Thank you, Jai. Thank you.